लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे भैया कमल। हाय। वंडरफुल। मुझे खूब सस्ती है राजा तुम्हारे मुंह पर। एक्सक्यूज मी, मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। राजा, राजा। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट अ सरप्राइज। जरा ठहरिएगा, मुझे यहाँ से जाने तो दीजिए। जाइए जाइए, जरूर जाइए, रोका किसने आपको? आओ रानी, मेरे कमरे में चलते हैं। कमरे में नहीं, जब देखो दादागिरी करते रहता है। तो मेरे खो जाएगा चुमी चुमी सी। हाँ क्या? अरे गुड बॉय। क्या जोड़ी लगती है, मालूम होता है कृष्ण के साथ जैसे राधा बैठी हुई हो। राम बेटे ने बताया कि बहू घर आई है, इसलिए मैं मुंह मीठा कराने चला आया। रानी, ये है हमारे चाचा, हमारे लिए बाप से भी बढ़कर है। इन्हीं की गोद में हम पले हैं और इन्हीं के कंधों पर खेल के हम बड़े हुए हैं। जीती रहो बेटी, जीती रहो। राजा बेटे। जी दादा। अब तो जल्दी जल्दी ब्याह कर ले अपनी रानी से। ये बूढ़े कान तरस रहे हैं इस घर में चूड़ियों की खनक और पायल की झनक सुनने के लिए। आज यही बात करने आई हूँ मैं यहाँ। मेरे डैडी चाहते हैं कि अब मेरा ब्याह जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, और वो लड़का भी ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ। तुम्हारा मतलब कोई दूसरा लड़का? जी हाँ। मैं मर गया हूँ? फिक्र क्यों करते हो बेटे? अरे चाचा, तुम्हें मैं फौरन राम से कहता हूँ कि वो जाके रानी के पिता से मिले और शादी की बात पक्की कर ले। लेकिन चाचा, मैं तो रानी के डैडी को जानता भी नहीं। ये नहीं जानते तो क्या हुआ, जान लोगे। वो कल के डीआईजी है तो तुम आज के सीआईडी हो। जाके फौरन सैल्यूट मारना और कहना, सर यह मुकदमा बड़ा संगीन मुकदमा है। आपकी बेटी और मेरे भाई राजा ने मोहब्बत जैसा जुर्म किया है और इसकी एक ही सजा हो सकती है, उम्र कैद, यानी इन दोनों की शादी। बस बात पक्की। और एक बार जो हमारे राजा बेटे को देख लेगा, वो क्या इनकार कर सकेगा कभी? बोलो तो बेटी, कब भेजो राम को? अगले इतवार को। अच्छा तो राम, याद रखना अगले इतवार का प्रोग्राम। अच्छा, ठीक 4 बजे पहुंच जाना। राइट सर। चलो तो मुंह मीठा कर लो। राइट ऑन सर। पहले बहू का मुंह मीठा करें। शेर सिंह, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुमने इंसानों को तो नहीं छोड़ा, भगवान को तो छोड़ दो। मंदिरों में चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। पार्वती, तुम अब तक समझ रही हो कि मैं वही पुराना शेर सिंह हूं, डाकू चोर लुटेरा। लेकिन तुम्हें क्या मालूम, अपने भाई की मौत के बाद मैं कितना बदल गया हूं। मैं एक नया आदमी बन गया हूं। इस तरह क्यों देख रही हो, यकीन नहीं आता मेरी बात पर? यकीन कैसे आएगा सरदार, रावण होकर जो तुम राम की बोली बोल रहे हो। दीपू, आदमी अच्छा इंसान नहीं बन सकता क्या? जिस राम की तुम बात कर रहे हो ना, उस राम की कथा लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि भी पहले बहुत बड़े लुटेरे और डाकू हुआ करते थे। पार्वती, मेरा यकीन करो पार्वती, वो पुराना जालिम शेर सिंह मर चुका है, उसने एक नया जन्म लिया है। मैं पाप से रंगे हुए इन हाथों को प्रायश्चित की गंगा में धोना चाहता हूं। सच कह रहे हो? हाँ, मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ मंदिर जाकर भगवान के सामने अपने पापों की क्षमा मांगू और उसे साक्षी बनाकर तुमसे शादी कर लो। पिताजी के कर पुकार सकता हूँ? हाँ बेटा, एक बार नहीं, हजार बार, लाख बार कहो बेटा। पिताजी
पिताजी बेटा पिताजी बेटा पिताजी बेटा पिताजी बेटा बेटा जीतू शिकम वक्त यहां कैसे पहुंच गया अब क्या होगा चले। ये दुनिया भी अजीब चीज है फारो एक बार बुरा होकर सुधरने के लिए भी इंसान को डरना पड़ता है अब हम क्या करेंगे पिताजी घबराओ नहीं बेटे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ छुपेंगे उसके बाद जैसे ही वो आदमी जाएगा हम फौरन बाहर चले जाएंगे साथियों की आंखों में धूल झोंककर तुम यहाँ से भागना चाहते हो मेरी बात मानो आप सब लोग भी हमारे साथ चलो अभी वक्त है इस पाप की जिंदगी को छोड़कर हम सब एक नया रास्ता तैयार कर सकते हैं अब एक ही रास्ता है पार्वती तुम फॉरन इंस्पेक्टर राम के पास चले जाओ और उसे जल्दी यहां आने के लिए कहो लेकिन लेकिन उसे कहना कि वो बिल्कुल यकीन आए पुलिस को साथ लेकर नहीं आए मैं मदद से पहले उसे सब कुछ बता दूंगा और हाथ जोड़कर उसके सामने विनती करूंगा कि वो किसी भी तरीके से हमारे बच्चे को बचा ले राम कौन है नहीं हूँ क्यों तुम मेरे साथ जल्दी चलो मेरे पति खून में लथपथ एक खंडर में बड़े दम तोड़ रहे हैं और वो तुम्हें कुछ बयान देना चाहते हैं तुम्हारे पति कौन मेरे पति कानून की नजर में वो एक मुजरिम है फिर तो इस काम के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था फिर मैं ही टेलीफोन कर लेता हूँ नहीं नहीं पुलिस को फोन मत करना क्यों उन्होंने कहा है तुम्ही को बहन देना चाहते हैं और तुम्ही को बुलाया है क्या सोच रहे हो भैया आज राखे का दिन है समझ लो तुम्हारी बहन तुमसे भीख मांग रही है चलो भैया तुम यहाँ ठहरो मैं कूद कर जाता हूँ चले भैया हाँ जी चलो तुम मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हारी चाल थी ये नक्शा मैंने तैयार किया था पता तुमसे अपने भाई का बदला लेने हट जाओ आगे नहीं मैं कहता हूँ हट जाओ मैं ये कभी नहीं होने दूंगी अब मुझे मालूम हुआ 15 साल तक मेरी जिंदगी से खेलने के बाद आज अचानक मुझसे शादी करने का और मेरे बेटे को अपना ही कबाड़ा क्यों किया था इन्हें यहाँ लाने के लिए ये सब एक ढोंग रचाया था ना हाँ हाँ ये सब ढोंग था नाटक था ये खून ये गोली सब जब्ती था अच्छा नहीं जैसे तुमने मेरे भाई को तड़पा तड़पा कर मारा था बस मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा करूंगा इतने हैरान क्यों है वो है आपका
और ये है राम का भाई राजा। भाई भाई राजा। शायद आपको समझ नहीं आएगा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, इसलिए जब राम ने आकर मुझसे कहा कि मुझे पकड़ने के लिए नाटक करना पड़ेगा, तो बस मैं मान गया। राम के जैसे मैंने मूछें लगाई, उसके कपड़े पहने और क्या हुआ? मिस्टर राम, तुम्हें कैसे पता चला कि वो डाकू दूसरा ड्रामा खेलते थे तुम्हारे साथ? जब उस औरत ने मुझसे आके कहा कि उसका पति पुलिस के सामने नहीं सिर्फ मेरे सामने बयान देना चाहता है, तो पता नहीं मुझे कुछ शक होने लगा। मुझे लगा कि वो औरत झूठी है और उसके पीछे कोई चार है, इसीलिए मैंने तरकीब सोची, राजा को राम बनाया, आपको इन्फॉर्म कर दिया। राम जादी, तुमने सारा बड़बड़ा खेल बिगाड़ दिया मेरा। क्यों जान बचाई थी उसकी, मैं पूछता हूँ क्यों? हंसती है? हाँ, इसलिए हंस रही हूँ कि आज एक हत्यारे का खूनी नाटक कामयाब न हो सका। इसलिए हंस रही हूँ कि आज बधी नेकी को जीत नहीं सकी। क्या लगता था वो तुम्हारा बाप लगता था, भाई लगता था, या कुछ और? समझ लो, वो मेरा भाई लगता था। मेरा दुश्मन और तुम्हारा भाई? मेरा ही नहीं, उन तमाम अपनाओं का भाई है जिनकी वो तुम जैसे समाज के दुश्मनों से रक्षा करता है। बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अपना ये शौक भी पूरा कर लो शेर सिंह, अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है एक तेरे बेटे के सिवा, बस उसे आजाद कर दो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हें भी आजाद कर दूंगा इस दुनिया से, लेकिन इससे पहले जिसे तू अपना भाई मानती है उसकी जान अगर मैंने तुम्हारे हाथों से न ली तो मेरा नाम भी शेर सिंह नहीं है। लेकर उसे बंद कर दो इसके बेटे के साथ से। आपने देखा सरदार, वहां एक नहीं दो सीढ़ी अफसर थे, बिल्कुल एक जैसे। हाँ, लेकिन उस कमबख्त राम की होशियारी की ताते देनी पड़ेगी। अपने जैसा दूसरा आदमी लाकर हम सबको उलझन में डाल दिया। अब अगला कदम उठाने से पहले इस बात का मालूम करना बहुत जरूरी होगा कि इन दोनों में असली कौन है और नकली कौन है। उस औरत को देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है सर। जो शेर सिंह की टोली डाके डाल रही है वही टोली जवान लड़कियों को अगवा भी कर रही है। हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है सर। यस। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ पुरानी फाइलें देखना चाहूंगा, हो सकता है उनमें से हमें कोई नया रास्ता, कोई क्लू मिल जाएगी। श्योर। थैंक यू सर।